कहावत है कि जब दुश्मन से लड़ना हो तो मुकाबला जबरदस्त होता है, टक्कर का होता है और देखने में मजा कुछ और होता है। लेकिन इस कहावत को झारखंड में सीधे पलट कर देखा जा रहा है, जब मुकाबला अपनों से हो तो लोगों का ध्यान कुछ और ज्यादा ही हो जाता है। तो जमशेदपुर पूर्वी की मैं बात कर रहा हूँ, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है अपने ही मंत्रिमंडल के भागी बने सरयू राय से, भाजपा के पूर्व कद्दावर नेता सरयू राय से उनका सीधा मुकाबला है। आइए मैं बतलाता हूँ क्या होने वाला है झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा चुनाव के इस बार के नतीजे। लोगों का ध्यान इस बार झारखंड के सभी विधानसभाओं को छोड़कर सिर्फ एक विधानसभा पे अटकी हुई है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन चर्चा बस एक सीट को लेके है। लोग अपने विधानसभा से ज़्यादा सीएम रघुवर दास और सरयू राय की लड़ाई का आनंद ले रहे हैं और परिणामों का अनुमान लगा रहे हैं। साफ है कि 80 सीटों की लड़ाई एक तरफ और जमशेदपुर की लड़ाई पूर्वी की लड़ाई एक तरफ हो चुकी है। एग्री को जहाँ रघुवर दास का घर है, लोग रघुवर रघुवर करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा भाजपा करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वहां से अलग निकलते ही मामला अलग हो जाता है। सिलेंडर छाप के पोस्टरों से पूरा बाजार पटा हुआ दिखता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो रह चुके हैं, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ के लोग जो है रघुवर दास से त्रस्त हैं और वर्तमान में दोनों नेता जो हैं, जिनमें कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, दोनों के दोनों भाजपा से हैं, तो ऐसे में लोगों का ध्यान कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर ज़्यादा है। लोग गौरव बल्लभ की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ के पत्रकार बतलाते हैं कि सरयू को बीजेपी नहीं रघुवर से नाराज कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला है, इसकी संख्या किसी से कम नहीं आंका जा सकता। हो सकता है कि जैसे राजस्थान में लोग बोलते थे कि मोदी तो उससे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ऐसा ही कुछ नारा यहाँ हो सकता है कि असरकारी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इशारों में यही कहा था कि जहाँ कमल है वहीं मोदी है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का नतीजा जो है बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। हो सकता है कि हाँ इतिहास दोहराया जा सके। सरयू ने रास्ता थोड़ा सा वैसा ही बना दिया। साल 1995 में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनी थी इस विधानसभा क्षेत्र में, जब बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दीनानाथ पांडे जमशेदपुर पूर्वी से 3 बार विधायक रह चुके थे, उनका टिकट काट कर रघुवर दास को टिकट थमा दिया गया था, तो वो बगावत पे उतर बैठे थे और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए थे। उस समय रघुवर दास ने जो है मात्र 1101 वोट से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी। ठीक इसी तरह साल 2005 में जमशेदपुर पश्चिमी से 3 बार विधायक रह चुके मृगेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटकर सरयू राय को उम्मीदवार घोषित किया गया था। मृगेंद्र प्रताप बाबूलाल मरांडी सरकार में वित्त और अर्जुन मुंडा के सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने बगावत किया और राजद से टिकट ले लिया और उन्हें मात्र 5588 वोट मिले, वह तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि सरयू राय ने यहाँ चालाकी की है, अपनी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर वो नए विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो पहले जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ते थे, इस बार जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2005 और 2014 2 बार वहाँ से वो जीत चुके हैं। इस बार इस क्षेत्र से टोटल जो है 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा, दिलचस्प होगा ये मुकाबला। आपको रघुवर दास के बारे में मालूम होगा कि रघुवर दास 5 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। पहली बार 1101 वोट से चुनाव जीते थे और आखिरी बार 70,157 वोटों से चुनाव जीते थे। रघुवर दास 1995 से बीजेपी के दिग्गज रहे नेता के टिकट काटकर यहां से चुनाव जीते थे। वर्तमान में जो सरयू राय लड़ रहे हैं, ईमानदार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में अपनी जो है छवि स्थापित की है। जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। अविभाजित बिहार में सन 1998 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के वो सदस्य रहे हैं। 2005 में जैसा मैंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी से वो चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। 2009 के चुनाव में वो कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से लगभग 3,000 वोटों से चुनाव
हार गए थे अपने राजनीतिक कैरियर में, इन्होंने जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव, मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने चारा घोटाला को जो है उजागर करवाया था। तीनों जेल गए थे, तीनों नेता जिनका मैंने नाम लिया, और तीनों को जेल भेजने में इनकी अहम भूमिका रही है। बिहार के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कृति झा आजाद के पिता चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी इन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी थी। जो गौरव बल्लभ है वो कांग्रेस के प्रत्याशी इस क्षेत्र से हैं, और वो झारखंड के मूल के रहने वाले नहीं है बल्कि मूल रूप से वो राजस्थान के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में गेस्ट फैकल्टी हैं, चार्टर अकाउंटेंट रहे। गौरव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर, और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। यही नहीं, उन्होंने 20 देशों में रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किया है। तो एक टैलेंटेड प्रत्याशी हैं कांग्रेस के गौरव बल्लभ, लेकिन अब देखना होगा दिलचस्प कि यहाँ से रघुवर दास जो है चुनाव जीतते हैं या हार जाते हैं। इससे पूर्व मैं बता देता हूँ कि 19 साल के जो झारखंड का पूरा राजनीतिक करियर रहा है मुख्यमंत्रियों का, उसमें 6 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, और 6 में से जो 5 मुख्यमंत्री हैं वो अपने क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव कई बार हार चुके हैं, जिसमें अरविंद मुंडा का नाम है, शिबू सोरेन का नाम है, बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है, हेमंत सोरेन का नाम है, और मधु कोड़ा का नाम है। तो ये सारे मुख्यमंत्री जो झारखंड के इतिहास के रहे हैं, ये सारे के सारे चुनाव हार चुके हैं कहीं ना कहीं से, जिसमें सबसे ज्यादा जो है 2014 में लोग चुनाव हारे थे। 2014 के चुनाव में कई मुख्यमंत्री प्रत्याशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव हार चुके हैं। तो अब देखना होगा कि अपनी साख बचा पाते हैं रघुवर दास या फिर सरयू राय के मुकाबले में चुनावी गणित में हार जाते हैं। धन्यवाद।